हरियाणा की जेलों में बंद कैदी अब आरजे और रिपोर्टर बनेंगे, क्योंकि वर्ष 2021 की शुरुआत प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में कैद बंदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का फैसला जेल विभाग ने लिया है। और बता दें कि इन रेडियो स्टेशनों का संचालन खुद कैदी करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट लखबीर सिंह बराड़ ने बताया कि डीजीपी जेल के सेल्वराज के दिशा निर्देशों के तहत और तिनका एनजीओ की संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा के सहयोग से कैदियों को सुधारने और जेल से बाहर निकलने के बाद पेशेवर व्यवसाय से जोड़ने के लिए पहले चरण में हरियाणा की 3 जेलों जिसमें अंबाला सेंट्रल जेल, फरीदाबाद और पानीपत की जेल शामिल है, इनमें तिनका रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे, जिनका संचालन खुद कैदी ही करेंगे। ये एक आइडिया आया था हमारे डीजी साहब की तरफ से, श्री के सेल्वराज महानिदेशक कारागार जो अभी कार्यरत हैं, कि जेलों पे बंदियों को किसी काम में बिजी रखने के कारण एक रेडियो की शुरुआत की जाए, जिससे वो अपने भाव व्यक्त कर सकें और दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकें और बाहर जाकर उनको एक पेशावर अंदाज में, पेशवराना अंदाज में लोगों के सामने पेश भी हो सके और उसको अपना काम के जरिए बिजी रह सकें, ताकि वो जो उनका बार बार जेल में आने का सिलसिला उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। इसी के कारण कुछ जेलों पे अभी पहले फेस में 3 जेलें, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला जेल में ये रेडियो की शुरुआत करने की सोची जा रही है। इसके लिए बकायदा एक एनजीओ है तिनका, उनकी जो कि संस्थापक हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, उन्होंने पिछले लास्ट वीक 5 दिन की 26 से लेकर 30 तक बंदियों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें फरीदाबाद में तकरीबन 12 बंदी, पानीपत से 7-8 बंदी और हमारी जेल के 6 बंदी शामिल हैं। तो अब इनकी ग्रूमिंग की जाएगी, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई, आपने कैसे कैसे पेश करना है। तो इसके बाद अगले जो भी आने वाला 10-15 दिन है, उनमें इनको लॉन्च किया जाएगा। जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे, जैसे जैसे हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी, तो उसमें लॉन्चिंग होगी। सर, ये जो कैदी हैं, ये पढ़े लिखे कैदी हैं या किस तरीके? इसमें हर तरह के कैदी हैं जी, कैदी भी हैं, कुछ 1-2 अंडर ट्रायल्स भी हैं और एक तो इवन डॉक्टर हैं हमारे पास जो हैं। तो जिस हिसाब से जो जिसका कैलिबर है, जो डॉक्टर हैं उनको हमने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम दिया है, कुछ की अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वो अपने कार्यक्रम की स्क्रिप्ट बाकियों के साथ मिलकर तैयार करेंगे और इसको शो को प्रेजेंट करेंगे। ये हर दिन लॉन्च होने के बाद 1 घंटे का प्रोग्राम जेल पे चला करेगा, जिसमें विभिन्न टॉपिक कवर किए जाएंगे जी। साथ ही उन्होंने बताया कि पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद के 21 कैदियों को इसके लिए चुना गया है। इन 21 कैदियों की 30 दिसंबर तक ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब आने वाले 10 से 15 दिनों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।